नमस्कार, मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे लग्न और भाग्यशाली रत्नों की इस वीडियो की सीरीज में अभी हम आखिरी 12वें लग्न मीन लग्न की चर्चा करेंगे। मीन लग्न के जातक बहुत ही भाग्यशाली, धार्मिक, दयालु, फ्रेंड्स की हेल्प करने वाले होते हैं। कई बार मीन लग्न के लोग अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने में खुद का नुकसान कर बैठते हैं। अगर खुद के पास 50,000 पड़े, इमरजेंसी में कोई दोस्त आए उसको दे देंगे, खुद का एक टाइम विचार नहीं करेंगे। मीन लग्न का स्वभाव, मीन लग्न का जातक बहुत ही पॉजिटिव नेचर वाला, महत्वाकांक्षी और सफल होते हैं। अगर मीन लग्न में कुंडली में अगर आपका जन्म हुआ है तो लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और लग्न के साथ साथ दसवें घर का स्वामी भी गुरु बनता है। इस कुंडली में पुखराज धारण करना बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि लग्न का स्वामी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, सफलता दिलवाता है, मान सम्मान दिलवाता है। मान सम्मान का कारक गुरु है, उच्च पद का कारक गुरु है, बड़े लोगों से संपर्क करवाता है, बड़े लोगों से मान सम्मान दिलवाता है। इसके अलावा आरोग्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा ये दसवें घर का मालिक होने के कारण अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उच्च पद आपको गुरु दिलवाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, अगर आपको बड़ी प्रमोशन के जो योग है वो गुरु देगा। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो आप काम धंधे को जो बढ़ाना चाहते हैं उसमें आप जो अपने कॉम्पिटिटर्स, आज हर धंधे में बहुत कॉम्पिटिशन है, उसमें हम लोग आज हर इंसान कॉम्पिटिशन में काम कर रहा है, और हर इंसान अपने भाग्य में जितना लिखा है उतना कमा रहा है। कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है। तो उसी तरीके से जिसका गुरु ये जितना ज्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही बेहतर अपने बिजनेस में परफॉर्म कर पाएगा। भले वो नया नया कोई बिजनेस में उठेगा तो भी पुराने उसके कॉम्पिटिटर से भी वो आगे निकल सकता है, अगर यहाँ पे गुरु अगर जितना पावरफुल होगा, अगर यहाँ पे उचका हो गया, अगर यहाँ पे स्वग्रही हो गया। तो इस तरीके से गुरु का बल इस कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। इस कुंडली में पुखराज धारण करने से व्यापार में सफलताएं मिलेंगी, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, पिता से लाभ होगा। पिता से अगर मतभेद बढ़ रहे हैं, पिता से मतभेद कम होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी। अब मीन लग्न की कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी है चंद्रमा। अब पंचम स्थान का स्वामी चंद्र पहनने से विद्याभ्यास में सफलताएं मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी। जिनका लव मैरिज में रुकावटें आ रही है उनको मोती धारण करने से पुखराज के साथ लव मैरिज में सफलता मिलेगी, पढ़ाई में रुकावटें उनको पढ़ाई में लाभ होगा। और जिनको पेट की तकलीफ हो रही है पुखराज के साथ मोती धारण करने से उन्हें आरोग्य में भी सुधार होगा। जो शेर सट्टे का काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे गुरु के साथ चंद्र जरूर धारण करना चाहिए। और अगर इसके तीसरे भाग्यशाली रत्न की बात करें तो है मंगल। यहाँ पे वृश्चिक राशि है, भाग्य स्थान में भाग्य का स्वामी मंगल है। मंगल अगर आप धारण करते हैं मीन लग्न की कुंडली में तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्यों की रुकावटें दूर होंगी, विरोधी परास्त होंगे, आपके साहस में वृद्धि होगी। कई लोग कहते हैं कि ग्रह कमजोर हो तो धारण करना चाहिए। अगर आपका ग्रह कमजोर है तो उसको धारण करने से उसकी ऊर्जा, उसकी रश्मियां आपके शुभ फलों में ग्रह की बढ़ोतरी करेगी, आपकी रुकावटें दूर होंगी। लेकिन वही ग्रह अगर पावरफुल है तो क्या रत्न पहनना चाहिए? हाँ, जरूर आप पहन सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपका पावरफुल है और अगर आप उसका रत्न धारण कर रहे हैं तो उसकी शक्ति आपको और ज्यादा पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगी, और आप ये खुद धारण करके उसका अनुभव कर सकते हैं। ये चीज आपको किसी को बतानी नहीं पड़ेगी, कोई आप किसी को आपको समझानी नहीं पड़ेगी। अब जब खुद उसको पूरे विश्वास के साथ उस रत्न को आप धारण करेंगे तो आप खुद उसका परिवर्तन, उसका लाभ आपके जीवन में आप देखने लगेंगे। तो इस प्रकार मीन लग्न की हमने इस वीडियो में चर्चा की, मीन लग्न के भाग्यशाली रत्नों के बारे में चर्चा की, पुखराज, मोती और मूंगा। असली रत्न धारण कीजिए, विधि करवा के धारण कीजिए। रत्न रिमकार ज्योतिष हमारे ज्योतिष कार्यालय से भी आप ये भारत में कहीं भी असली रत्न मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप पे फोटो मंगा के भाव जो भी होगा आपको सब चीजों का भाव के साथ फोटो आएंगे, आप उसमें अपने पसंद करके ओरिजिनल चीज, गवर्नमेंट सर्टिफाइड चीज आप मंगा सकते हैं, और विधि करी हुई आपको ओरिजिनल चीज आपको प्राप्त होगी।